We never ask how a certain piece of code works और why we have implemented a solution in certain way and हमने उसको दूसरी तरीके से क्यों नहीं करा. Failure is inevitable. Embrace it. And in development, you'll need to fail fast and fail often if you want to get ahead. हेलो एवरीवन, दिस इज शौर्य गुप्ता. इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में, अबाउट द थिंग्स व्हिच आई विश आई न्यू बिफोर लर्निंग डेवलपमेंट. सो बिफोर स्टार्टिंग आई लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ अगेन. माई नेम इज शौर्य गुप्ता एंड आई एम ए स्टूडेंट ऑफ दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी. मैं अभी कंप्यूटर इंजीनियरिंग पढ़ रहा हूँ एंड आई एम इन थर्ड ईयर करेंटली. सो द फर्स्ट थिंग इज राइटिंग क्लीन कोड. सबसे पहली चीज़ जो आप रियलाइज करोगे जब आप बड़े एप्लीकेशन बनाओगे वो ये है कि आपको काफ़ी टाइम लगता है डीबगिंग में. ऑफन यू विल स्पेंड मोर टाइम डीबगिंग दैन राइटिंग न्यू कोड. ऐसे में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप प्रॉपरली इंडेंटेड और कमेंटेड कोड लिखो जो कि कोडिंग की बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो करता है. इमेजिन करो कि आपने 1000 लाइंस का कोड लिखा है एंड आपको ये बिल्कुल भी नहीं पता कि कहाँ कौन सी लाइन है या कौन सी लाइन है जिसकी वजह से बग आ रहा है. और इससे बुरा ये है हो सकता है कि आपने इतना अनरीडेबल कोड लिख रहे हो कि वो आपको ही नहीं पता समझ आ रहा कि आपने क्या करा है उस कोड में. इसको अवॉइड करने के लिए बेटर ये है कि आप पहले ही अपने प्रोजेक्ट को प्लान करो, वर्जन कंट्रोल का यूज़ करो जैसे कि गिट हो गया एंड फंक्शंस का यूज़ करके कोड लिखो. सेकेंड थिंग इज लैंग्वेज पहले सीखो, फ्रेमवर्क बाद में सीखो. जनरली बिगिनर्स क्या करते हैं वो फ्रेमवर्क से रिलेटेड ट्रिक्स सीख लेते हैं एंड देन लैंग्वेज को सीखते हैं. एक्चुअली दिस इज नॉट द राइट वे टू गो. द पॉपुलैरिटी ऑफ जैंगो कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द स्ट्रेंथ्स ऑफ पाइथन. सो इट इज इम्पॉर्टेंट दैट यू गेट कंफर्टेबल विद पाइथन फर्स्ट एंड देन गो ट्राई जैंगो एंड नॉट द अदर वे अराउंड. इसका सिंपल सा रीजन ये है कि अगर आपको फ्रेमवर्क के पीछे की लैंग्वेज के बारे में पता है, आप उसको समझ चुके हो, तो आप फ्रेमवर्क को और बेटर समझ पाओगे, उससे खेल पाओगे, ना कि उसको सिर्फ एक तरीके से देख पाओगे. अगर आपको ये नहीं पता कि लैंग्वेज के क्या सिंटैक्स है, वो कैसे यूज़ होती है, तो आप ये नहीं समझ पाओगे कि फ्रेमवर्क में कोई भी चीज़ एक पर्टिकुलर वे से क्यों करी गई है. थर्ड थिंग इज लर्निंग वर्जन कंट्रोल. आजकल रेयरली ही होता है कि आप अकेले प्रोजेक्ट कोई करते हो, जनरली सब टीम में या फिर ग्रुप्स में करते हैं. सो टू कोलैबोरेट विद अदर्स यू नीड टू लर्न समथिंग कॉल्ड वर्जन कंट्रोल. डेवलपर्स यूजुअली तब तक वर्जन कंट्रोल के बारे में नहीं पढ़ते जब तक उनको बिल्कुल ज़रूरी नहीं हो जाता. हाउएवर वर्जन कंट्रोल इज नेसेसरी टू वर्क इन अ टीम. इट इज़ अ गुड आइडिया टू अंडरस्टैंड हाउ इट वर्क्स and the basic commands to get you started on. Version control से आप अपने project में changes को track कर सकते हो and आपके team के सारे members जो हैं वो project के latest version पे काम करेंगे. तो इसका एक example होता है Git and इसका GUI interface GitHub. Fourth thing, failure is inevitable. Embrace it. Failure कोई rare चीज़ नहीं है, सबको इसका सामना करना पड़ता है. And in development, you'll need to fail fast and fail often if you want to get ahead. अकेले web development में ही इतने सारे concepts, frameworks और tools हैं learn करने के लिए. Point ये है कि जब कोई चीज़ किसी के लिए नई होती है, new होती है, तो उसमें mistakes करने के chances increase हो जाते हैं. Failure का डर ही हमें developers को learning की, हमारे developer learning को hinder करता है. We never ask how a certain piece of code works or why we have implemented a solution in certain way and हमने उसको दूसरी तरीके से क्यों नहीं करा. हम कभी भी ये explore करने की इच्छा नहीं रखते हैं. क्यों? क्योंकि हम failure से डरते हैं. These are the questions and the learning opportunities that I had encountered them sooner would have made me a much better developer in a shorter amount of time. So अगर आप इसलिए आपको फेलियर को एक्सेप्ट करने करके उससे सीखने की कोशिश करनी चाहिए ताकि आप जल्दी से जल्दी और अच्छे से प्रोग्रेस कर पाओ. फिफ्थ इज इम्पोस्टर सिंड्रोम इज नॉर्मल एट एवरी स्टेज.
देयर विल बी पॉइंट्स इन योर कैरियर जब आपको अपने ऊपर डाउट होने शुरू हो जाएगा कि यार क्या मैं सही में वेब डेवलपमेंट कर सकता हूँ, क्या सही में मेरे से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगी। ऐसे आप अपने आप को किसी ना किसी स्टेज पर डाउट करते होंगे। ये आपको इंटरव्यू में भी हो सकता है कि या फिर ये भी हो सकता है कि अगर आप किसी बग पे बहुत दिनों से लगे हुए हो उसको सॉल्व करने का बट वो आप नहीं कर पा रहे हो। इट कैन ऑल्सो क्रीप अप इन व्हेन यू स्टार्ट कंपेयरिंग योर सेल्फ विद अदर डेवलपर्स जो कि अलग फील्ड में है और आपसे ज़्यादा अकॉम्प्लिश्ड हैं। ये मेरे साथ भी होता है कई बार, यानी बहुत जनरल है। एंड यू नो वॉट, दिस इज ओके, वेरी मच ओके। ये याद रखना इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपको भी ऐसा फील होता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अच्छे डेवलपर नहीं हो। इसका रीज़न सिर्फ ये होता है कि शायद आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर नहीं है या फिर आप उसके लिए फुली प्रिपेयर्ड नहीं हो, या मे बी ये हो सकता है कि आपके फंडामेंटल क्लियर नहीं है उस प्रॉब्लम के लिए। सो यू नो वॉट इज ऑसम अबाउट ऑल दीज रीजंस बिहाइंड इम्पोस्टर सिंड्रोम, ये आप ऐसे सिचुएशंस हैं, कुछ ऐसे रीजंस हैं जिन पे आप एक्शनेबल स्टेप्स ले सकते हो, प्लान कर सकते हो, इनको आप करेक्ट कर सकते हो। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, दे आर ऑल द थिंग्स दैट आर हार्डली इंडिकेटिव ऑफ बीइंग अ बैड सॉफ्टवेयर डेवलपर। सो ये कुछ चीज़ें थी जो मुझे लगता है कि अगर आपको डेवलपमेंट स्टार्ट करने से पहले पता हो तो उसमें आप इन चीज़ों को ध्यान रख के आप बाकियों से अच्छा परफॉर्म कर सकोगे। These were the things that I wish I knew before starting as a software developer or as a web developer. Thank you.